हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर की भुजिया। उसके लिए हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसमें थोड़ा सा ऑयल। और आज की जो पनीर की भुजिया है वो बहुत ही इजी है और डिलीशियस है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी देर में जो हमने ऑयल लिया था वो हो चुका है गर्म। उसके अंदर हम डालते हैं आधी चम्मच जीरा और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, भूनना है। और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग ऑप्शनल है पनीर की भुजिया में, बट बहुत ही टेस्टी लगती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चार हरी मिर्च, मैंने फाइन चॉप कर यूज़ करी हैं। और अगर आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें ये भी ऑप्शनल है। और आधी मैंने प्याज ली है, क्योंकि प्याज बड़ी थी तो मैंने उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हाफ ली है। और उसको इसके अंदर हमें कर लेना है ऐड। और इन सभी को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। इसको हमें सिम गैस पे बनाना है, और जब ये थोड़ा सा भुन जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी आधी चम्मच और आधी चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा पहले ही ऐड कर रखी है, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। और आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से भुन जाए। और ये सारा मसाला हम मिक्स करने के बाद भी इसको 2 मिनट के लिए सिम गैस पर छोड़ देंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कम या ज़्यादा आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन गया है और सॉल्ट भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और हम ले लेते हैं अब पनीर। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया और इसको हम ऐसे रफली क्रश कर लेंगे। और आप जब भी पनीर लें तो टेस्ट करके लीजिएगा। और ये देखिए, हम सारा पनीर जो लिया था वो क्रश कर लेते हैं। और अब हम चेक कर लेते हैं एक बार मसाला, ये देखिए। और एंड में हम इसके अंदर मिक्स करेंगे फाइन चॉप टमाटर, जो मैंने पहले से ही करके रखे थे। ये एक टमाटर रह गया तो हम इसको इसी से कट कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी कट हो गया। वैसे मैं इसे नॉर्मली कट नहीं करती, मैं नाइफ़ का ही यूज़ करती हूँ, बट आपको पता है कि जल्दी में वीडियो बना रहे हैं हम, हमें वीडियो स्किप नहीं करनी, इसीलिए थोड़ा सा तो चलता है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करे हैं तो वो थोड़ा ईजीली गल जाएंगे, इसीलिए मैंने पहले थोड़ा सॉल्ट कम यूज़ करा था। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो टमाटर हैं वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और सारे मसाले में मैश हो जाएं, मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, हमने ढक दिया और उसके बाद 2 मिनट हो चुके। अब हम इसको कर लेते हैं चेक। आप देख सकते हैं जो चिकनाई है वो बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो गई है, मीनिंग जो मसाला है वो बिल्कुल भुन गया है। तो अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे पनीर। पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिम गैस पर हम इसको रखेंगे, गैस तेज नहीं करनी, और अच्छे से धीरे धीरे मिक्स कर लेते हैं। और ये पनीर की भुजिया हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। रेसिपी बहुत इजी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब इसको हम कर लेते हैं सर्व। सर्व करने से पहले इसको थोड़ा सा हम धनिया से कर लेते हैं गार्निश। और अगर आपको धनिया क्रंची पसंद है तो जब वेज ठंडी हो जाए तब इसके अंदर ऐड कीजिएगा, बट मैं गरम गरम में कर रही हूँ जिससे ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, क्रंची ना लगे। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। और ये हमने सर्व कर लिया, थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर लिया। रेसिपी बहुत ईजी है। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय पनीर भुजिया क्विक रेसिपी।